Hi guys, myself Seema Shaljanand. Thanks to come to my channel Sai Basics Plus Advanced. In this video, I will discuss about zoology practical syllabus, study of sex chromatin or bar bodies in buccal smear and Herbert cells in humans. बच्चों इससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि जो बच्चे आगे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो और जूलॉजी सब्जेक्ट ऑप्शनल रखना चाहते हैं तो उनके लिए भी मैंने सीरीज स्टार्ट कर दिया है. तो यहाँ से इसी चैनल पे कंटेंट मिलेंगे आपको और कॉन्सेप्ट के साथ डील किया जाएगा सारे वीडियोस. तो आप वन बाय वन अपना प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो आइए देखते हैं स्टडी ऑफ सेक्स क्रोमेटिन इन बकल स्मीयर एंड हेयरबर्ड सेल्स. तो ये आपको जूलॉजी प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना है, धागे वाली फाइल में नहीं लिखना है. बाकी ये जो सारे फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, कौन से फॉर्मेलिटीज़, तो ये नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, डेट, एक्सपेरिमेंट नंबर, पेज नंबर, ये सब आप अपने तरफ से अपने एंड से पूरा कर लीजिएगा. और लिखना क्या है कॉपी में वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिएगा. इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, स्टडी ऑफ सेक्स क्रोमेटिन इन बकल स्मेयर एंड हेयरबर्ड सेल्स इज अ साइटोजेनेटिक टेक्निक यूज्ड टू डिटरमिन द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दीज क्रोमेटिन बॉडीज. तो ये जो स्टडी ऑफ सेक्स क्रोमेटिन ऑफ बकल स्मेयर और हेयरबर्ड सेल्स है उसका स्टडी क्यों किया जाता है. ये एक साइटोजेनेटिक टेक्निक होता है, यूज़ किया जाता है टू डिटरमिन सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल के सेक्स को डिटरमिन करने के लिए यूज़ किया जाता है. बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दीज क्रोमेटिन बॉडीज, किसमें ये क्रोमेटिन बॉडीज प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट नहीं है, उसके आधार पे हम सेक्स डिसाइड कर सकते हैं. बार बॉडीज़ क्या होता है, तो बार बॉडीज आर द इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोजोम इन फीमेल्स. जैसे कि हमें पता है फीमेल में एक्स एक्स दो क्रोमोजोम होते हैं और मेल में एक्स वाई क्रोमोजोम होते हैं. तो ये जो बार बॉडीज होता है उसमें फीमेल में एक एक्स क्रोमोजोम को इनएक्टिवेट कर देता है, इनएक्टिवेटेड क्रोमोजोम होता है. ठीक है, स्टडी ऑफ सेक्स क्रोमेटिन और बार बॉडीज इन बकल स्मेयर एंड हेयर बर्ड सेल्स इज अ कॉमन प्रैक्टिकल एक्सरसाइज इन द फील्ड ऑफ साइटोजेनेटिक्स. ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिकल एक्सरसाइज होता है, किस फील्ड में, साइटोजेनेटिक्स के फील्ड में. मटेरियल्स रिक्वायर्ड, कौन कौन से मटेरियल इसमें यूज होते हैं, तो माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप स्लाइड्स एंड कवर स्लिप्स, जिम्सा स्टेन फॉर स्टेनिंग, स्टेराइल स्वैब्स फॉर बकल स्मीयर एंड हेयर सैंपल्स. क्या क्या यूज़ होते हैं एक बार फिर से मैं बता देती हूँ. माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप स्लाइड्स, कवर स्लिप्स, जिम्सा स्टेन फॉर स्टेनिंग, स्टेराइल स्वैब्स. स्टेराइल स्वैब्स किसे कहते हैं, फॉर बकल स्मीयर. जब आप कोरोना का टेस्ट देखते होंगे ना, जो वो जो स्वैब लेते हैं मुंह के अंदर से सलाइवा के फॉर्म में, तो उसको स्वैब कहते हैं. वो स्टेराइल होना चाहिए. कैसे होना चाहिए अभी हम आगे देखेंगे. और हेयर सैंपल्स लेते हैं. तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन और मटेरियल्स नीडेड. अब आ जाइए वन बाय वन देखेंगे दोनों का प्रोसीजर. प्रोसीजर फॉर बकल स्मीयर क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स शुड हैव टू रिंस देयर माउथ, माउथ को अच्छे से धोना चाहिए. टू रिमूव एनी फूड पार्टिकल्स ऑफ डेब्रिस, ताकि उनके मुंह के अंदर कोई भी फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट ना हो. ठीक है, उसके बाद जेंटली रब द इनसाइड ऑफ द चीक. उसके बाद अच्छे से चीक को रब किया जाता है बकल मिकोसा लेयर से विथ अ स्टेराइल स्वैब. वो जो आप स्वैब लेते हैं वो बिल्कुल स्टेराइल फॉर्म में होना चाहिए, ताकि कोई भी जो इन्फेक्शन है वो ना काउज हो सके. टू कलेक्ट सेल्स, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट्स शुड हैव टू रिंस देयर माउथ. टू रिमूव एनी फूड पार्टिकल्स और डेब्रिस, जेंटली रब द इनसाइड ऑफ द चीक विथ अ स्टेराइल स्वैब टू कलेक्ट सेल्स. उसके बाद क्या करते हैं, देन वी ट्रांसफर द कलेक्टेड सेल्स. उसके बाद वहाँ से जो हम सेल लेते हैं उसको कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद ट्रांसफ़र कर देते हैं कहाँ, ऑन टू अ माइक्रोस्कोप स्लाइड. माइक्रोस्कोप के स्लाइड पे उसको ट्रांसफ़र करते हैं. नाउ वी हैव टू ड्राई दिस स्लाइड, उसका स्लाइड को अच्छे से ड्राई कर लेते हैं. देन स्टेन द सेल्स विथ अ सुटेबल स्टेन लाइक जिम्सा स्टेन. अभी मैंने आपको मटेरियल्स रिक्वायर्ड में बताया था, स्टेनिंग के लिए जिम्सा स्टेन का यूज़ किया जाता है, तो इस सेल्स को स्टेन कर लेते हैं. उसके बाद क्या करते हैं, नाउ
प्लेस अ कवर स्लिप ऑन द स्टैंड स्लाइड, उसके बाद कवर स्लिप लगा देते हैं उस स्टैंड स्लाइड पे ताकि हमें अच्छे से दिखे। देन वी एग्जामिन द सेल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप, उसके बाद फिर माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि क्या शो हो रहा है। ठीक है, ये कुछ स्टेप थे किसके, बकल स्मीयर्स के। दूसरा प्रोसीजर फॉर हेयर बर्ड सेल्स, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, या तो आप बकल स्मीयर यूज़ करिए या फिर हेयर बर्ड सेल्स यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, तो फॉर दिस एक्सपेरिमेंट फर्स्ट वी कलेक्ट अ फ्यू हेयर सैंपल्स ऑफ रूट हेयर, बाल के जो जड़ वाला रीजन होता है वहाँ से, और हेयर बल्ब रीजन। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं फ्यू हेयर सैंपल्स ऑफ रूट हेयर और हेयर बल्ब रीजन। नाउ वी प्लेस दिस सैंपल्स ऑन अ माइक्रोस्कोप स्लाइड, उसके बाद फिर हम इसको प्लेस करते हैं कहाँ, माइक्रोस्कोप स्लाइड के ऊपर। देन वी अप्लाई अ स्टेन, उसके बाद स्टेनिंग के लिए स्टेन यूज़ करते हैं इफ़ नेसेसरी, ज़रूरत हो तो, नहीं भी हम यूज़ कर सकते हैं, नीड नहीं है तो नहीं भी लेंगे। टू ये स्टेन क्यों यूज़ करते हैं, टू इम्प्रूव विजिबिलिटी ऑफ द सेल्स, ताकि अच्छे से विजिबल हो हमारा सेल। नाउ एड अ कवर स्लिप ओवर द हेयर सैंपल्स, देन एग्जामिन द हेयर रूट सेल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप, उसके बाद फिर माइक्रोस्कोप के अंदर इस हेयर रूट सेल्स को हम एग्जामिन करते हैं। ये दोनों प्रोसीजर हो गए आपके हेयर बर्ड सेल्स के भी, और ये हो गए आपका बकल स्मीयर का भी। अब हम ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो पहले हम देखेंगे बकल स्मीयर सेल में क्या ऑब्जर्व होता है। तो इन बकल स्मीयर सेल्स प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बार बॉडीज होता है, या तो प्रेजेंट होगा बार बॉडीज या फिर एब्सेंट होगा। कैसे हम देखेंगे, तो स्मॉल ड्रम स्टिक शेप्ड, ड्रम स्टिक मतलब जैसा होता है ना वैसे शेप का स्ट्रक्चर सीन इन द सेल न्यूक्लियाई, सेल के न्यूक्लियाई में ये ड्रम स्टिक शेप्ड स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट है तो हम क्या कहेंगे, इन फीमेल्स देयर शुड बी वन बार बॉडीज, फीमेल में एक बार बॉडीज भी हो सकते हैं, व्हाइल इन मेल्स देयर शुड बी नो बार बॉडीज, अगर वो मेल का वो बकल स्मीयर है तो उसमें कोई बार बॉडीज नहीं होंगे, और अगर फीमेल का है तो उसमें एक बार बॉडीज प्रेजेंट होंगे, कहाँ, न्यूक्लिया, सेल न्यूक्लियाई में। ये हम ऑब्जर्वेशन में देखेंगे। उसके बाद हेयर बर्ड सेल्स को कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे, तो इन हेयर बर्ड सेल्स प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बार बॉडीज कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व, उसमें भी पता चल जाता है कि अगर कोई बार बॉडीज नहीं है तो वो मेल है, और अगर एक बार बॉडीज है तो वो फीमेल है। अब ये जो लेफ्ट साइड आपका वाइट पेज होता है उस पर आप ये अच्छे से विथ नीट एंड क्लियर अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ बार बॉडीज़ का फॉर्मेशन कैसा होता है। तो यहाँ आपको दिख रहा है क्या, ये एक्स और वाई, तो ये मदर से आपको एक्स क्रोमोसोम है, ये फादर से वाई क्रोमोसोम, दोनों मिलके क्या करते हैं, जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद जब अर्ली सेल डिवीज़न होता है तो मेल में आपको क्या होता है, एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। तो अगर क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन होता है, हमको पता है कि बार बॉडीज़ क्या होता है, एक क्रोमोसोम इनएक्टिवेट हो जाते हैं, तो क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन अगर होता है तो हम कहते हैं कि बार बॉडीज़ प्रेजेंट है। ये तो ये फीमेल में क्या होता है, फीमेल में एक बार बॉडीज़ देखा जाता है, एक एक्स क्रोमोसोम का इनएक्टिवेशन हो जाता है, और मेल में कोई बार बॉडीज़ नहीं देखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको क्या, बार बॉडी का एक्सप्लेनेशन। और अगर डायग्राम बनाना चाहते हैं तो यहाँ देखिए, ये है बार बॉडी का न्यूक्लियस में, ये पॉजिटिव बार बॉडीज़ क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये फीमेल का सेक्स है, यहाँ पर देखिए ये है बार बॉडी इन द न्यूक्लियस, तो पॉजिटिव बार बॉडी इंडिकेट फीमेल सेक्स, एंड वाइल मेल हैज़ नो बार बॉडीज तो हम क्या करते हैं, उसको क्या कंसिडर करते हैं, निगेटिव बार बॉडी निगेटिव इन द न्यूक्लियस एक्स वाई क्रोमोसोम में, यहाँ पर देखिए आपको कोई बार बॉडीज नहीं शो हो रहा है। ठीक है, नेगेटिव बार बॉडीज इंडिकेट मेल सेक्स, तो ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं अपने कॉपी में। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको बार बॉडीज़ का प्रेजेंस और एब्सेंस। ठीक है, स्टडी ऑफ सेक्स क्रोमेटिन बार बॉडीज़ इन बकल स्मीयर एंड हेयर बर्ड सेल्स इन ह्यूमन। तो अगर बच्चों आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।